भारत माता की, भारत माता की, जय श्री राम, जय श्री राम। आपकी बार फिर एक बार कहो दिल से, कहो दिल से। मंच पर उपस्थित हमारे विधायक प्रवीण दटके जी, पूर्व महापौर भाई दयाशंकर तिवारी जी, श्रीकांत आगलावे जी, बंडू भाव राउत, चमन प्रजापति जी, अमोल कोल्हे जी, संजय बालपांडे जी, विद्याताई कन्हेरे, सरलाताई नायक, देवेंद्र काटोलकर जी, अर्चनाताई डेहनकर, आशीष कटारे, जयप्रकाश गुप्ता जी, रामदेव जी अग्रवाल, हमारे कृष्णा भाऊ कावळे, नंदकिशोर गौर, कृष्णा बावरिया, दीपक दीक्षित, प्यारेलाल वर्मा, नरेंद्र रामटेके, अशोक नायक, बिरजू बावरिया। मंच पर उपस्थित सभी सम्मानीय अतिथिगण और उपस्थित सभी बहनों और भाइयों, हम सभी लोग हमारे प्रिय नेता और पूरे भारत में जिनको विकास पुरुष के नाम से जाना जाता है, ऐसे आदरणीय गडकरी जी को समर्थन देने के लिए और अपना आशीर्वाद देने के लिए यहां पर एकत्रित आए हैं। अभी अभी दयाशंकर जी यहां पर बता रहे थे कि हमारे बजेरिया में किस प्रकार से परिवर्तन हुआ है। केवल बजेरिया नहीं, पिछले 10 वर्षों में नितिन जी के नेतृत्व में नागपुर में जो परिवर्तन हमने देखा है, और मुझे बहुत खुशी है कि 2014 से 19 तक मुख्यमंत्री के रूप में काम करने का अवसर मुझे मिला, और मोदी जी के आशीर्वाद में और नितिन जी के साथ में हम लोगों ने इस नागपुर शहर को बदलने का काम किया। आज हम देख सकते हैं कि नागपुर में हर जगह सीमेंट रोड हमको दिखाई देते हैं, 24/7 पानी की योजना दिखाई देती है, बड़े पैमाने पर खेल के मैदान, गार्डन हमको दिखाई देते हैं। आज हमारे सेंट्रल एवेन्यू से जाने वाली मेट्रो ये हमारे आवाजाही के लिए एक बहुत अच्छा साधन बनी है, और साथ साथ विशेष रूप से मध्य नागपुर का जो इलाका है, जो नागपुर का एक पुराना इलाका करके जाना जाता था, और नागपुर का पुराना इलाका होने के कारण सबसे ज्यादा कंजेस्टेड इलाका इस प्रकार से मध्य नागपुर की ओर देखा जाता था, अब नितिन जी के नेतृत्व में मध्य नागपुर का भी चेहरा बदला और हम देख सकते हैं कि बड़े पैमाने पर मध्य नागपुर में चौड़े रास्ते ये यहां पर तैयार हुए हैं, और हमारा जो शुक्रवार तालाब है, गांधी सागर है, उसका भी कायाकल्प हम लोगों ने उसकी भी शुरुआत की है, जल्दी ही ये काम भी पूरा किया जाएगा। आज नितिन जी के नेतृत्व में नागपुर को एजुकेशन हब के रूप में विकसित करने का काम हमने किया। हमको मौका मिला तो नागपुर में ट्रिपल IIT आई, नागपुर में IIM आया, नागपुर में एम्स आया, नागपुर में सिम्बियोसिस आया, नागपुर में लॉ स्कूल आई, एक एक करके जो देश के सबसे महत्वपूर्ण इस प्रकार के संस्थान है वो नागपुर में आए, और नागपुर को एजुकेशन हब बनाने का प्रयास भी पिछले कुछ सालों में हमने किया। ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि आज के जमाने में उद्योग वहीं जाते हैं, रोजगार की निर्मिति वहीं होती है जहां पर मानव संसाधन तैयार होता है, जहां पर अच्छी शिक्षा की व्यवस्था होती है, जहां अच्छे शिक्षा संस्थान होते हैं, ऐसी ही जगह हम लोगों को रोजगार की निर्मिति होते हुए दिखती है। और आज उसका परिणाम क्या है, तो नितिन जी के नेतृत्व में आज मिहान में 68,000 लोगों को नौकरियां मिली, और सबसे बड़ी बात यह है कि IIT के क्षेत्र में जो दुनिया की 6 बड़ी कंपनियां हैं, वो 6 के 6 कंपनियां किसी एक शहर में नहीं होती, लेकिन नागपुर अकेला ऐसा शहर है
जहां छो की छो कंपनियां है और इन कंपनियों में 90% लोग 90% ये नागपुर शहर के, नागपुर जिले के और विदर्भ के लोग, आज हमारे बच्चे वहां पर काम कर रहे हैं, हजारों बच्चों को रोजगार वहां पर मिला है। ये केवल यहां हो पाया क्योंकि देश में मोदी जी की सरकार थी और नितिन जी जैसे नेता अपने साथ थे। इसलिए दोस्तों एक और आज नितिन जी का नेतृत्व केवल नागपुर इतना ही मर्यादित नहीं है, आज देश में नितिन जी ने जिस प्रकार से इंफ्रास्ट्रक्चर का काम किया है, रास्तों का काम किया है, आपको आश्चर्य होगा 2025 में जब हमारे राष्ट्रीय महामार्ग जो नितिन जी ने मोदी जी के नेतृत्व में शुरू किए वो जब पूर्ण होंगे तो भारत की स्वतंत्रता से लेकर 2014 तक जितने राष्ट्रीय महामार्ग बने उससे ज्यादा राष्ट्रीय महामार्ग केवल 10 साल में बनकर पूरे हुए। ये चमत्कार मोदी जी ने और नितिन जी ने करके दिखाया है। आज हम देख रहे हैं पिछले 10 वर्षों में देश में मोदी जी ने एक बदलाव करके दिखाया है, इस देश को एक मजबूत अर्थतंत्र के रूप में मोदी जी ने तैयार किया है। 2013 में IMF ने एक रिपोर्ट दिया था और उस रिपोर्ट में उन्होंने कहा था कि दुनिया के 5 देश दिवालिया होने वाले हैं, 5 देश दुनिया के ऐसे हैं जिनकी अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से ध्वस्त होने वाली है, कोलैप्स होने वाली है, और उन 5 देशों में भारत का नाम था। 10 साल मोदी जी ने भारत में अपना राज चलाया, उसी IMF ने 2023 में एक रिपोर्ट दी और कहा दुनिया की सबसे तेजी से विकसित होने वाली और एक प्रकार से सबसे मजबूत अर्थव्यवस्था अगर कोई होगी तो भारत की अर्थव्यवस्था है। 10 साल पहले जिसको दिवालिया घोषित किया गया उस भारत को मजबूत अर्थतंत्र के रूप में मोदी जी ने तैयार किया। आज हम दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और मोदी जी कहते हैं मुझे तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाया तो मैं दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भारत को बनाऊंगा। और अर्थव्यवस्था बड़ी होती है तो क्या होता है, लोग कहेंगे यार ये हमको क्यों बताते हैं अर्थव्यवस्था बड़ी हो गई तो क्या होने वाला है, मेरा क्या होने वाला है ये मुझे बताओ। दोस्तों अर्थव्यवस्था जब बड़ी होती है तो अवसर तैयार होते हैं, अर्थव्यवस्था जब बड़ी होती है तो रोजगार का निर्माण होता है, अर्थव्यवस्था जब बड़ी होती है तो इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार होता है, अर्थव्यवस्था जब बड़ी होती है तो गरीब कल्याण का एजेंडा चलता है, अर्थव्यवस्था जब बड़ी होती है तो संरक्षण के ऊपर ज्यादा खर्चा किया जाता है, अर्थव्यवस्था जब बड़ी होती है तो देश मजबूत होता है, अर्थव्यवस्था जब बड़ी होती है तो दुनिया का कोई देश आपकी ओर टेढ़ी नजर से नहीं देखता। अर्थव्यवस्था जब बड़ी होती है तो देश का कल्याण होता है। मोदी जी ने 10 सालों में 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकाला, ये दुनिया का रिकॉर्ड है। 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा के बाहर मात्र 10 सालों में मोदी जी ने लाया। और आप अगर देखें 20 करोड़ लोग ऐसे हैं जो झोपड़ों में रहते थे, झोपड़ों में जिनका अपना मकान नहीं था, पक्का मकान नहीं था, ऐसे 20 करोड़ लोगों को मोदी जी ने पक्का घर दिया। 11 करोड़ घर ऐसे थे, 11 करोड़ का मतलब होता है 55 करोड़ की जनसंख्या, या ऐसी जनसंख्या थी जिनके घर पे शौचालय नहीं था, उनको शौचालय देने का काम मोदी जी ने किया। 10 करोड़ घर ऐसे थे जिनमें गैस नहीं था, उनको गैस देने का काम मोदी जी ने किया। 50 करोड़ लोग ऐसे थे जिनके घर पे पीने का पानी नल से नहीं आता था, हमारी माताओं बहनों को या तो कुएं पर जाना पड़ता था या नदी पर जाना पड़ता था। मात्र पिछले 5 वर्षों में 50 करोड़ लोगों के घरों में शुद्ध पीने के पानी का नल ये मोदी जी ने पहुंचाया, ये मोदी जी ने की हुई क्रांति। और इतना ही नहीं, मोदी जी ने गरीबों का ध्यान रखा, 50 करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत की योजना के तहत 5 लाख तक का इलाज
मुफ्त में मिलेगा। ये योजना मोदी जी ने शुरू की, अभी सभी के पास कार्ड पहुंच रहा है और आने वाले दिनों में मोदी जी ने तो 5 लाख की हमको गारंटी दी ही, साथ में हमने भी महाराष्ट्र सरकार की ओर से और 5 लाख रुपए की गारंटी आपको दी। तो अब किसी को भी अपने इलाज पर एक पैसा खर्चा नहीं करना पड़ेगा। मोदी जी ने वयोश्री जैसी योजना लाई, हमारे नितिन जी के नेतृत्व में हमने उसके कैंप्स लिए। आज हम देख रहे हैं जो हमारे सीनियर सिटीजन से घर के बड़े बूढ़े लोग जो है, इनको जो चीजें आवश्यक है, किसी को छड़ी चाहिए स्टिक चाहिए उसको स्टिक मिली, किसी को कान की मशीन चाहिए उसको कान की मशीन मिली, किसी को दांत चाहिए उसको दांत मिले, किसी को चश्मा चाहिए उसको चश्मा मिला, किसी को कमोड़ चाहिए उसको कमोड़ मिला। जो हमारे घर के बड़े बूढ़े लोग हैं, इनको जिस जिस प्रकार की सुविधा चाहिए वो सुविधाएं मोदी जी ने मुहैया कराई। मोदी जी के नितिन जी के नेतृत्व में हमारे जो दिव्यांग है, उन दिव्यांगों को जिसको टांग चाहिए उसको टांग मिली, जिसको हाथ चाहिए उसको हाथ मिला। अरे जो कल तक चल नहीं सकता था अब वो मोटरसाइकिल चला रहा है, जिसके पास रिक्शा हाथ से चलाने का था उसको इलेक्ट्रिक रिक्शा मिला। सभी के जीवन में परिवर्तन लाने का काम मोदी जी ने किया। आज रेहड़ी पटरी वाले, आज हमारे फुटपाथ दुकानदार, इनको कभी ये विचार भी नहीं आता था कि हमको कोई कर्जा मिल सकता है। कोविड के बाद मोदी जी ने उनके लिए योजना लाई, 20,000 का उनको कर्जा मिला, वापिस करेंगे तो 50,000 का कर्जा, वापिस करेंगे तो 1 लाख का कर्जा। जो लोगों को साहूकार से पैसा लेना पड़ता था, अब उनको साहूकार से पैसा नहीं लेना पड़ता, ये मोदी जी ने करके दिखाया। देश में 50 करोड़ से ज्यादा लोगों को मुद्रा का लोन मिला, वो अपने कदमों पर पैरों पर खड़े हुए। एक जमाना ऐसा था कोई गरीब आदमी अगर बैंक में चला जाए तो बैंक वाला पूछता था, तेरे पास कोई जमींदार है, कोई सरकारी नौकर तेरा रिश्तेदार है, अगर रिश्तेदार है तो सरकारी नौकर की गारंटी हमको दो या फिर तेरी प्रॉपर्टी हमको लिख कर दो तो तुझे कर्जा मिलेगा। वो बोलता मेरे पास प्रॉपर्टी होती तो तुम्हारे पास क्यों आता, उसको कर्जा नहीं मिलता था। 50 करोड़ से ज्यादा लोगों को ऐसा कर्जा मिला, न कोई गारंटी देनी पड़ी न कोई प्रॉपर्टी देनी पड़ी। और सबसे महत्व की बात, माताएं बहनें सुने, इन 50 करोड़ से ज्यादा लोगों में 31 करोड़ महिलाएं हैं जिनको ये कर्जा मिला है, जो अपने पैरों पर खड़ी हुई है। क्योंकि मोदी जी कहते हैं एक आदमी जब पैरों पर खड़ा होता है तो आदमी ही पैरों पर खड़ा होता है, पर जब एक औरत पैरों पर खड़ी होती है तो पूरा परिवार पैरों पर खड़ा होता है। इसलिए मोदी जी ने अधिकारिता देने का काम शुरू किया। इतना ही नहीं, आज हमारे यहाँ पर जो बचत गठ है, इन बचत गठों के लिए 8 लाख करोड़ की राशि मोदी जी ने दी, और बचत गठों का ऐसा आंदोलन शुरू किया कि जिसके माध्यम से आज गांव-गांव में लखपति दीदी बन रही है, जिन्होंने कभी सोचा नहीं था, जिनके लिए 2,000 रुपया भी बड़ी बात होती थी, ऐसी हमारे महिलाएं अब लखपति हो रही है। ये मोदी जी ने करके दिखाया। और सबसे बड़ी बात, हम सब लोग जो यहाँ पर बैठे हैं ना, अभी हमारे मंच पे तो केवल 2 बहनें हमको दिखाई देती है, अब आगे ऐसा चलने नहीं वाला, अब हमको आधी कुर्सियां खाली करनी है, क्योंकि मोदी जी ने अब महिलाओं को आरक्षण दिया है। और 2026 के बाद जो भी चुनाव होगा, लोकसभा का हो या विधानसभा का, अब खासदार भी महिलाएं बनेगी और आमदार भी महिलाएं बनेगी, ये मोदी जी ने करके दिखाया है। इसलिए देश के हर तबके को मोदी जी ने एक प्रकार से विकास की ओर लेकर गए। और ये करते समय मोदी जी ने कहा, न कोई जात है न कोई धर्म है, इस देश का गरीब, इस देश की महिलाएं, इस देश का युवा और इस देश का किसान, ये चार ही जात है, ये चार ही धर्म है, ये चार ही भाषा है, इन चारों का अगर हम विकास कर दे तो देश का विकास होगा। मोदी जी ने पूछा नहीं तेरी जात कौन सी है, तेरा धर्म कौन सा है, तेरी भाषा कौन सी है। मोदी जी ने जो गरीब दिखा, जो मध्यम वर्गीय दिखा, जो महिलाएं दिखी, जो युवा दिखा, ऐसे हरेक का विकास मोदी जी ने करके दिखाया। सबका साथ सबका विकास, ये सपना मोदी जी ने करके दिखाया। और ये सब करते हुए भारत को एक मजबूत देश के रूप में मोदी जी ने प्रस्थापित किया।
जो भारत एक जमाने में अपने सुरक्षा के लिए सारी चीजें विदेशों से लेता था, अगर गोला बारूद टाइम पर नहीं आए तो हम दुश्मन से लड़ नहीं सकते थे, हमारी तोपें भी बाहर से आती थी, हमारे फाइटर जेट भी बाहर से आते थे, हमारी पनडुब्बी भी बाहर से आती थी, हमारी युद्ध नौकाएं भी बाहर से आती थी। मात्र 10 सालों में मोदी जी ने ये किया, हमारी तोपें भी यहाँ बनती है, हमारे गोले भी यहाँ बनते हैं, हमारे फाइटर जेट भी यहाँ बनते हैं, हमारी पनडुब्बी भी यहाँ बनती है, हमारी युद्ध नौकाएं भी यहाँ बनती है। और यहाँ बनते इतना ही नहीं, अब कई देशों को हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, हम इम्पोर्ट नहीं करते, अब हम देशों को एक्सपोर्ट कर रहे हैं। एक और भारत सुरक्षित भी हुआ और ये सारी चीजें बनने लग गई तो रोजगार का निर्माण भी हुआ, लोगों को नौकरियां भी मिली, लोगों को रोजगार भी मिला। और अब भारत इतना मजबूत हुआ, दोस्तों अभी कुछ दिनों पहले आपने सुना होगा केवल अमेरिका और रशिया जो कर पाए भारत ने करके दिखाया, अब हमने एक ऐसा मिसाइल तैयार किया भारत से 7000 किलोमीटर दूर कहीं पर भी दुश्मन का अड्डा हो हमारा मिसाइल सीधा वहां जाकर दुश्मन को नेस्तनाबूत कर सकता है, ऐसा मिसाइल भारत ने तैयार किया। अब मोदी जी के नेतृत्व में पाकिस्तान या चीन हमारे ऊपर टेढ़ी नजर से देख नहीं सकता, ऐसा भारत तैयार किया। और मोदी जी ने बताया अगर हमारे देश में आके आतंकवादी गतिविधियां करोगे, हम मनमोहन सिंह का जमाना गया जब वो केवल अमेरिका में जाकर रोते थे, देखो पाकिस्तान सताता है, अब ये अमेरिका के सामने रोने वाला भारत नहीं है, ये घुस के मारने वाला भारत है, ये मोदी जी ने करके दिखाया, एक मजबूत भारत मोदी जी ने करके दिखाया। आज हर क्षेत्र में भारत आगे जा रहा है, अब भारत तो चांद पर भी चंद्रयान उतार रहा है। मैं तो जापान में था, मैं दूसरे दिन जापान के सबसे बड़े मंत्री से मिला, उन्होंने कहा मैं आपको बधाई देना चाहता हूं। मैंने कहा क्यों बधाई देना चाहते हो? बोले जो काम जापान नहीं कर पाया वो आपने करके दिखाया, आपने चांद के दक्षिण ध्रुव पर यान उतारा, हमने भी 4 साल पहले प्रयास किया था, हम नहीं कर पाए, भारत पहला देश था जिसने ये चंद्रयान उतारा। और चांद पर चंद्रयान उतरने के बाद हमारे भारत के वैज्ञानिकों ने मोदी जी के नेतृत्व में सूरज को भी नापना शुरू कर दिया, आदित्य L1 के नाम से एक उपग्रह अब सूरज के इर्द गिर्द घूम रहा है, और दुनिया में सूरज के इर्द गिर्द घूमने वाला केवल एक उपग्रह इस कक्षा में आ पाया, और वो उपग्रह भी भारत ने तैयार किया। इस प्रकार की प्रगति आज भारत की हम देख रहे हैं, गरीब कल्याण से लेकर तो सुरक्षा तक और विज्ञान से लेकर तंत्र ज्ञान तक भारत को पहले नंबर पर लाने का काम मोदी जी ने किया है। और दोस्तों परसों मोदी जी कन्हान में आए थे, मोदी जी ने कहा अरे पिछले 10 साल ये तो केवल ट्रेलर था, असली पिक्चर अभी बाकी है। मोदी जी ने कहा जब हम होटल में जाते तो होटल में थाली आने से पहले स्टार्टर आते हैं, पिछले 10 साल स्टार्टर थे, असली थाली तो अगले 5 साल में परोसने वाला हो। तो विचार कीजिए अगर स्टार्टर ऐसे थे तो थाली कैसी होगी। और मोदी जी के साथ हमारे गडकरी जी है, गडकरी जी ने जिस प्रकार से रास्तों का विकास किया, मैं आपको बताना चाहता हूं गडकरी जी और मोदी जी की जोड़ी ने क्या कमाल किया है। मैं लेह लद्दाख गया था, वहां पर जो हमारी फॉरवर्ड कमांड है वहां छत्रपति शिवाजी महाराज के पुतले का उद्घाटन था, मुझे बुलाया था, और हमारी फॉरवर्ड कमांड पर नॉर्दर्न कमांड पर वो जो सबसे प्रमुख सैनिक अधिकारी थे उन्होंने मुझे कहा कि हम लोग बहुत खुश है। मैंने कहा क्यों खुश है? उन्होंने कहा बॉर्डर तक सारे रास्ते बन गए। फिर उन्होंने मुझे बताया हम मनमोहन सिंह जी की सरकार के पास जाते थे और कहते थे कि देखिए चीन ने बॉर्डर तक रास्ते बना दिए, अब 48 घंटे में वो हमारी बॉर्डर पर आ सकते हैं, वो बॉर्डर पे आएंगे तो हम लड़ेंगे कैसे, हम तो 8-8 दिन तक वहां पर हमारी तोपों को नहीं ले जा सकते, हमारे सैनिकों को नहीं ले जा सकते।
तो मनमोहन सिंह जी की सरकार कहती थी ये तो हमारी स्ट्रेटेजी है, चीन आपकी बॉर्डर तक आएगा, अपन रास्ते बनाएंगे तो अपने रास्तों से अंदर आएगा, हमने रास्ते नहीं बनाए तो चीन अंदर ही नहीं आ सकता। लेकिन मोदी जी की सरकार ने, गडकरी जी ने इस बात को समझा और वहां पर ऐसे रास्ते और ऐसे पुलियों और ऐसे टनल बने, चीन को तो आने को 48 घंटे लगेंगे लेकिन भारत 24 घंटे में सीमा पर अपना सैन्य लेकर जा सकता है। ये काम मोदी जी ने और गडकरी जी ने करके दिखाया है। दोस्तों, नितिन गडकरी उस व्यक्ति का नाम है जो केवल सपने देखता नहीं है, सपनों को पूरा करना जानता है। जो सपने देखता है तो सोता नहीं है, उस सपने को हकीकत में परिवर्तित करता है। और हम सारे लोग भाग्यशाली हैं कि नितिन जी जैसे नेता को वोट करने का हमको अधिकार मिला है। आने वाली 19 तारीख को जब हम कमल की बटन दबाएंगे तो नितिन जी को वोट मिलेगा और मोदी जी को वोट मिलेगा, और जो लोग कमल की बटन नहीं दबाएंगे वो बेचारे राहुल गांधी के लिए वोट करेंगे। बताओ कितने दुर्दैवी लोग हैं, राहुल जी जैसे नेता को उनको वोट करना पड़ेगा। अब देखिए अपनी लड़ाई कौन सी है, आपकी बार और राहुल जी की लड़ाई आपकी बार 40 पार। ये 40 पार की लड़ाई है क्योंकि कम से कम 50 आए तो उनका विपक्ष का नेता बनता, नहीं तो वो भी नहीं बनता। लेकिन हम किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहते। देखिए वो जिस प्रकार से उनकी करतूते है, आज उनके पार्टी में कोई रहना नहीं चाहता, वो देश का विचार नहीं करता। देश का विचार सबसे पहले होना चाहिए। केवल अपने परिवार का विचार करने वाले सारे के सारे लोग साथ में आए हैं, ये लोग कुछ नहीं कर सकते। आज देखिए हमारा गठबंधन कैसा है, मोदी जी हमारे इंजन है, हमारी अलग अलग डिब्बे उस इंजन में लगे हुए हैं। हमारे साथ शिवसेना है, हमारे साथ एनसीपी है, हमारे साथ रिपाई है, हमारे साथ अलग अलग पार्टियां हैं। हमारा इंजन पावरफुल है। हमारे डिब्बों में हम सभी गरीबों को, सभी लोगों को, सभी जात धर्म के लोगों को बैठाकर विकास की गाड़ी ले जाते हैं। उधर कैसा है, उधर सब कहते मैं इंजन हूं, राहुल गांधी बोलते मैं इंजन हूं, उद्धव ठाकरे बोलते मैं इंजन हूं, शरद पवार बोलते मैं इंजन हूं, लालू प्रसाद बोलते मैं इंजन हूं, स्टालिन बोलते मैं इंजन हूं, ममता बनर्जी बोलते मैं इंजन हूं। डब्बा है ही नहीं और इंजन में कोई बैठ सकता है, सिर्फ ड्राइवर बैठता है, इंजन में लोग बैठ नहीं सकते। अच्छा इंजन भी ऐसे है, एक लाइन में नहीं चलते। ममता बनर्जी बंगाल की ओर इंजन खींचती है, शरद पवार बारामती की ओर इंजन खींचते हैं, उद्धव ठाकरे मुंबई की ओर इंजन खींचते हैं, और कोई उधर बिहार की ओर इंजन खींचता है। परिणाम ये होता है इनका इंजन जगह से हिलता ही नहीं है, न हिलने वाला न डुलने वाला न किसी को जगह है, ऐसा इनका इंजन है। इसलिए ये फेल गाड़ी है, विकास की गाड़ी सिर्फ मोदी जी के नेतृत्व में है जिसमें हमारे गडकरी जी की भी बूस्टर पावर लगी हुई है। इसलिए 19 तारीख को हमारे गडकरी जी का चुनाव चिन्ह कमल का बटन दबाकर उनको विजयी बनाइए। इतना ही निवेदन करता हूँ और अपने शब्दों को विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।